मूवी की शुरुआत में हमें एक जगह पर कुछ लोगों को चोरी करते दिखाया जाता है। दरअसल ये एक लुटेरों का ग्रुप होता है। ये अपनी लूट मार और चोरियों के लिए काफी फेमस होते हैं, और जब ये चोरी कर ही रहे थे तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, और वहीं पर उन्हें रात हो जाती है और वो पुलिस से बचने के लिए एक केव में चले जाते हैं। अब वो सब इकट्ठा बैठ कर बैग खोल कर अपने अपने चोरी किए सामान को देख ही रहे थे, उन सामान में से उन्हें एक अनोखी चीज मिलती है और वो होती है एक मैग्नेट। वो मैग्नेट उनके लिए काफी अनोखा होता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा मैग्नेट नहीं था देखा। खैर उन लोगों में से एक लड़का विलियम और दूसरा उसका दोस्त भी होता है, जो आपस में बातें करते हैं कि हम एक ब्लैक पाउडर की तलाश में हैं। वो बताते हैं कि ब्लैक पाउडर ऐसी चीज है जो हवा में आते ही किसी भी चीज को आग लगा देता है। वो अपनी चोरियों को आसान बनाने के लिए उस पाउडर को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक बहुत तेज चीज आकर उनमें से तीन आदमियों को मार देती है। वो चीज इतनी तेज थी कि उन्हें वो नजर भी नहीं आ सकी। अपने साथियों को मरता देखकर विलियम और उसका दोस्त काफी घबरा जाते हैं। तभी विलियम को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चीज उस पर हमला करने वाली है। इससे पहले कि वो चीज विलियम पर हमला करती, विलियम पीछे मुड़कर बड़ी तेजी से उस चीज का हाथ ही काट देता है, और देखते ही देखते वो चीज खाई में गिर जाती है। अब उसका हाथ देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई चीज आम इंसान नहीं है बल्कि ये एक मॉन्स्टर है। वो उसका हाथ उठाकर अपने बैग में रख लेते हैं ताकि वो ये मालूम कर सके कि वो चीज आखिर थी क्या जो बगैर किसी वजह से उन पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। अब अगली सुबह हम विलियम और उसके साथी को उस केव से बाहर आता देखते हैं। वो अपने उसी ब्लैक पाउडर की तलाश शुरू कर देते हैं, मगर जब वो रस्ते में थे तो उन्हें पुलिस देख लेती है और उनका पीछा करना शुरू कर देती है, और वो पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब वो किसी तरह बचते बचाते द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुँच जाते हैं। अब वहाँ चाइना की आर्मी उनको चोर समझ कर उन्हें घेर लेती है और उन्हें कहती है कि तुम सरेंडर कर दो वरना तुम मारे जाओगे। अब चूंकि वो पुलिस भी उनके पीछे पहुँचने वाली थी इसलिए वो चाइना की आर्मी को सरेंडर कर देते हैं। अब वो आर्मी वाले उन दोनों को अपने जनरल के पास ले जाते हैं, वहाँ उनके सामान की तलाशी ली जाती है। वो जनरल उनके बैग में उसी मॉन्स्टर का कटा हुआ हाथ देखते हैं। जनरल वो हाथ देखकर काफी हैरान होता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम्हारे पास ये हाथ कैसे आया। अब विलियम उन्हें बताता है कि हम पर किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया था और हमने किसी तरह उससे बचकर उसका एक हाथ काट दिया था। जनरल उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, इतने खतरनाक मॉन्स्टर को उन्होंने कैसे मारा होगा। अब वहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उनकी आर्मी की कमांडर होती है। वो उनसे कहती है पहले तो तुम बिना इजाजत हमारे बॉर्डर पर आए और अब तुम हमसे ही झूठ बोल रहे हो। ऐसा करने वालों की सजा हमारे यहाँ सिर्फ सजाए मौत ही होती है। वो जनरल अब उन्हें मौत की सजा देने ही वाला था कि वहाँ एक शख्स आकर कहता है कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर अभी भी उस मॉन्स्टर का ताजा खून लगा है। तभी वहाँ एक सिपाही भागकर आता है और अपने जनरल को कहता है कि हुजूर उन्होंने हम पर हमला कर दिया है। उसकी बात सुनकर जनरल अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि जंग की तैयारी शुरू की जाए। अब वो लोग विलियम और उसके दोस्त को कैद कर देते हैं। अब वहाँ विलियम उनसे पूछता है कि मैंने जिस चीज का हाथ काटा है वो चीज आखिर थी क्या। वो शख्स उसको कुछ नहीं बताता। अब विलियम फिर से कहता है कि तुम्हारी इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी तुम अपने दुश्मन से इतना क्यों डर रहे हो। वो शख्स फाइनली कहता है कि जिससे हमारा मुकाबला है उनकी आर्मी हमारी आर्मी से काफी पावरफुल है। अब हमें दिखाया जाता है कि उनकी जंग किसी इंसान से नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स के साथ होती है जो कि काफी खतरनाक होते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी आर्मी को डिवाइड किया है। उनमें से कुछ उन मॉन्स्टर्स पर तीर फेंक रहे थे, कुछ नेजे चला रहे थे और बाकी उन मॉन्स्टर्स को रोक रहे थे। वहाँ पर विलियम और उसके दोस्त को जनरल का एक आदमी मिलता है। वो लोग उस आदमी से खुद को छुड़वाने की मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ हम उन मॉन्स्टर्स के साथ साथ उनकी क्वीन को भी देखते हैं। वो मॉन्स्टर्स अपनी क्वीन को किसी भी तरह के अटैक से बचाते हैं और अब वो क्वीन आगे बढ़कर सब मॉन्स्टर्स को सिग्नल भेजती है जिससे वो सब उस दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़कर उनकी आर्मी पर हमला कर देता है। अब चूंकि विलियम और उसका दोस्त भी वहाँ एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे इसलिए वो जनरल के आदमी को खुद को छुड़वाने को कहते हैं। वो शख्स उस मॉन्स्टर का विलियम और उसके दोस्त पर हमला करने से पहले ही उनको खोल देता है और वो दोनों भी उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। ये दोनों बड़ी तेजी से उनमें से तीन मॉन्स्टर्स को वहीं पर मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि चूंकि वो मॉन्स्टर्स अब हार रहे थे इसलिए वो क्वीन सबको सिग्नल भेजकर वापस अपने पास बुला लेती है और वो सब मॉन्स्टर्स अपने साथियों समेत वापस भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जनरल इन दोनों की बहादुरी से काफी खुश होता है और उनका अपने साथ लड़ने के लिए शुक्रिया भी अदा करता है। फिर उसके बाद रात को वो जनरल उस लेडी कमांडर से ये कहते हुए काफी परेशान हो जाता है कि फिलहाल हमने तो उन्हें मारकर भगा दिया है लेकिन अगर किसी दिन हम इनका मुकाबला ना कर पाए तो ये हम पर कब्जा करके हमें जिंदा ही खा जाएंगे। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि विलियम और उसका दोस्त नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर उस जनरल के पास आते हैं और उनका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है और जनरल उनको उनकी इस कामयाबी पर शाबाशी भी देता है। अब वो वहाँ पहुँचे ही थे कि वो कमांडर
कमांडर उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हुनर या हथियार है जिससे तुम इतनी आसानी से लड़ लेते हो, तो वो उन्हें अपने हुनर से ऐसी चीज दिखाते हैं जिसे देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि विलियम अपने हुनर से एक बाउल को अपने तीरों से एक पिलर पर लगा देता है। अब वो कमांडर और विलियम आपस में बातचीत करते हैं। वो कमांडर उससे पूछती है कि क्या तुम कभी किसी के लिए लड़े हो, क्योंकि मुझे अपने मुल्क के लिए लड़ना बहुत पसंद है। जिसके जवाब में विलियम कहता है कि मैं किसी मुल्क के लिए नहीं लड़ा, बल्कि मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। अब हम रात को उस आदमी को देखते हैं जिसने विलियम और उसके दोस्त की मदद की थी। वो उन दोनों को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पाउडर काफी ज्यादा है। वो कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जब ये लोग उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे, हम उनका वो पाउडर उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। ये आइडिया विलियम और उसके दोस्त को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आखिर पेशे से तो थे वो चोर ही। अब हम देखते हैं कि उनका लीडर उनसे पूछता है कि ये जो तुम्हारे पास काला पत्थर है, ये कहाँ से आया। ये पत्थर दरअसल वही मैग्नेट था जो उन दोनों को मूवी के पहले सीन्स में मिला था। वो लीडर कहता है कि हम इस पत्थर की मदद से शायद ये जंग जीत सकते हैं। अब विलियम दोबारा से उस लीडर से पूछता है कि ये मॉन्स्टर्स आखिर यहाँ आए तो आए कैसे। जिसके जवाब में वो लीडर कहता है कि काफी सालों पहले एक पत्थर का गोला आसमान से पहाड़ों पर आकर गिरा, जिससे वो पहाड़ भी इस पत्थर की तरह ग्रीन हो गए थे, और ये मॉन्स्टर्स उसी पत्थर से निकल कर हमारी जमीन पर आए। हर 60 सालों में ये मॉन्स्टर्स उस गोले से बाहर आते हैं और लोगों का शिकार करते हुए उन्हें अपना खाना बनाते हैं। वो लीडर और बताता है कि इन मॉन्स्टर्स की एक रानी भी है जो इन सबको ऑर्डर देती है और ये हर कीमत पर उसकी हिफाजत भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि रात का वक्त था कि एक मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उनके एक सिपाही को मार देता है। वो कमांडर और उनका लीडर उस मॉन्स्टर को मारने ही वाले थे कि पीछे से उन पर एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो लीडर खुद को और उस लेडी कमांडर को बचाने के लिए अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में दे देता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर भी उस लीडर पर हमला कर चुका था, जिससे वो लीडर काफी जख्मी हो जाता है। उसके जख्म काफी गहरे थे जिसे वो बर्दाश्त नहीं था कर सकता। वो मरने से पहले उस लेडी कमांडर को उनका लीडर बना देता है। अब हमें उस लीडर के मरने के कुछ दिन बाद का वक्त दिखाया जाता है। एक शख्स वहाँ उस मर चुके लीडर की डायरी पढ़ रहा था, जिसमें सब कुछ लिखा था कि कब कब उन मॉन्स्टर से हमारी लड़ाई हुई और किस किस तरह वो मॉन्स्टर्स मर सकते हैं। उसमें ये भी लिखा था कि कहीं एक ऐसा गेट है जहाँ मॉन्स्टर्स जाकर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और वहाँ वो लड़ाई भी नहीं करते। अब उनमें से वो समझदार आदमी जिसने मूवी के पिछले सीन में विलियम की तलवार पर उस मॉन्स्टर का खून देखा था, वो कहता है कि हो सकता है कि वो गेट इसी पत्थर से बना हो जो कि विलियम के पास था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने विलियम के सभी साथियों पर हमला किया था और विलियम को छोड़ दिया था। अब विलियम वहाँ इस बात को साबित करने के लिए एक सलूशन देता है कि हम किसी एक मॉन्स्टर को पकड़ कर उस पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर ही हम ये बात जान सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब उसका दोस्त विलियम को साइड पर करके कहता है कि भाई तुम किस कामों में पड़ गए, हम जिस काम के लिए आए थे हमें जल्द से जल्द वो काम करके यहाँ से निकलना होगा, लेकिन विलियम का वहाँ से इस हालत में भागने का दिल नहीं था कर रहा। अगले दिन हम देखते हैं वो सब किसी एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ काफी धुंध होती है इसलिए उन्हें वहाँ कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता। वहाँ हम विलियम को अपने दोस्त की बात की वजह से काफी परेशान देखते हैं। वो ऐसे और इन हालात में वहाँ से भागना नहीं था चाहता, क्योंकि अब वो एक लुटेरा बनने की बजाय एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था। अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसने विलियम और उसके दोस्त को वो पाउडर चुरा कर वहाँ से भागने का प्लान बताया था। वो विलियम के दोस्त को कहता है कि तुम अपने उस दोस्त को छोड़ो, हम दोनों यहाँ से वो पाउडर चुरा कर भाग जाते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त विलियम का साथ नहीं था छोड़ना चाहता। फिर हमें दिखाया जाता है कि धुंध में भी वो मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं और वो आर्मी वाले अपने हथियारों से उनका मुकाबला करते हैं और वो उन मॉन्स्टर्स पर नेजों से हमला करके उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी चालाक होते हैं। वो अपने साथियों के नेजे निकाल कर उनके साथ भाग जाते हैं। अब वहाँ विलियम ये देखता है कि उनका नेजा एक ऐसे मॉन्स्टर को जा लगा है जिसके आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं था जो उसकी मदद कर सके, इसलिए विलियम अब फौरन से उसके पास जाता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। अब वो सब मिलकर उस मैग्नेट की मदद से उस मॉन्स्टर पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो सब ये नोटिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर वाकई इस मैग्नेट से डरता है और इसलिए वो किसी पर हमला भी नहीं करता। ये देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और अब वो मैग्नेट को उनमें से एक आदमी किसी दूसरे राजा के पास ले जाता है और उस
उसे ये बताता है कि वो सब मॉन्स्टर्स इस पत्थर से काफी डरते हैं। हम इस पत्थर की मदद से उन मॉन्स्टर्स को किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। वो राजा ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक रात वो कमांडर लेडी और उसकी आर्मी कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर्स जैसे कहीं गायब हो गए। इसलिए वो नीचे दीवार के पास जाकर देखते हैं। वहाँ वो ये देखकर काफी हैरान रह गए थे कि उन मॉन्स्टर्स ने वहाँ पर एक सुरंग खोदी है और वो सुरंग इतनी बड़ी थी कि उसकी मदद से वो मॉन्स्टर्स कभी भी अंदर आ सकते थे। वहीं दूसरी तरफ विलियम का दोस्त और वो आदमी ब्लैक पाउडर चुरा लेते हैं और वो वहाँ से भागने ही वाले थे कि विलियम वहाँ आकर उनको रोकता है, जिससे वो आदमी विलियम पर हमला कर देता है और अब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब जब वो आदमी और विलियम का दोस्त सफर में आगे बढ़ ही रहे थे कि वो आदमी विलियम के दोस्त को कहता है कि तुम जरा उस ऊंचाई पर जाकर आगे का रास्ता देखना। अब वो उसकी बात मानकर आगे का रास्ता देखने जा ही रहा था कि वो आदमी उसे धोखा देकर सारा ब्लैक पाउडर लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब उस कमांडर को ये पता चलता है कि विलियम के दोस्त ने ऐसा किया है और इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगने लगता है कि अपने दोस्त को यहाँ से भगाने में विलियम ने उसकी जरूर मदद की होगी। वो कमांडर विलियम को सजा देने ही वाली थी कि वहाँ एक आदमी आकर कहता है कि नहीं, ये तो उन सबको ऐसा करने के लिए रोक रहा था। फिर भी वो कमांडर उसे कोई सख्त सजा नहीं देती पर उसे जेल में कैद कर देती है, क्योंकि अब उसका विलियम पर ट्रस्ट खत्म हो चुका था। अब वो कमांडर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर्स अक्सर उन पर हमला करते थे। तभी विलियम को ख्याल आता है कि अगर हम उन मॉन्स्टर्स की क्वीन को खत्म कर दें जो इन सबको अपना ऑर्डर देती है, तो हम इन सबको भी मार सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उस कमांडर की आर्मी के वहाँ पहुँचने से पहले मॉन्स्टर्स वहाँ पहले से ही पहुँच चुके थे और उनकी फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ विलियम खुद को जेल से किसी तरह निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी उस मॉन्स्टर से वो मैग्नेट थोड़ा दूर कर देता है, जिस मॉन्स्टर को पकड़ कर उन्होंने वो मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट किया था। वो मॉन्स्टर इस बात का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल भेजता है कि मुझे यहाँ से छुड़वा लो। वो सिग्नल सुनकर वो क्वीन अपनी मॉन्स्टर आर्मी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब विलियम फिर से वहाँ पहुंचकर उन सबको एक आइडिया देता है कि हम क्यों ना एक मॉन्स्टर पर काफी सारा गोश्त रखने के साथ साथ उसके साथ बहुत सारा ब्लैक पाउडर भी लगा दें, और जब वो अपनी रानी को खाना देने जाए तो हम उस पर आग से जलता तीर फेंक दें, जिससे कि वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होगा और वो रानी वहीं पर मर जाएगी। अब वो सब उस मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं और खुद एक ऊंची जगह पर चले जाते हैं ताकि वहाँ से वो उस रानी को तीर से निशाना बना सके। ऊपर जाकर जैसे ही विलियम उस रानी पर तीर फेंकता है तो वो सब मॉन्स्टर्स अपनी रानी को कवर कर लेते हैं। विलियम कई बार उस क्वीन पर हमला करता है लेकिन वो मॉन्स्टर्स उस हमले को नाकाम बना देते हैं। फिर एक और बार विलियम उस रानी पर हमला करने ही वाला था कि वो रानी अपने मॉन्स्टर्स को सिग्नल भेजती है कि इस बिल्डिंग पर हमला कर दिया जाए, जिसमें वो विलियम उस रानी पर हमला कर रहा था। इसलिए वो सब मॉन्स्टर्स अब विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब विलियम के पास सिर्फ एक ही ऐसा तीर बचा था जिसकी मदद से उस ब्लैक पाउडर को आग लगाई जा सकती थी। अब विलियम वहाँ एक ट्रिक खेलता है। वो सबसे पहले उस मैग्नेट को क्वीन की तरफ फेंकता है और फिर वो आग लगाने वाला तीर वो मॉन्स्टर्स मैग्नेट की वजह से अपनी क्वीन को कवर नहीं कर पाते और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वो रानी वहीं पर मर जाती है। अब चूंकि वो रानी मर चुकी थी इसलिए वो मॉन्स्टर्स भी बेजान होकर वहाँ से गिर जाते हैं। अब वो कमांडर और विलियम काफी खुश थे कि उन्होंने अपने मुल्क को बचा लिया था। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि विलियम के दोस्त को चाइना की आर्मी ने दोबारा से पकड़ लिया था। अब विलियम अपने दोस्त को वहाँ से आजाद करवा लेता है और वो दोनों अच्छे से वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।